Yes, students, in this chapter, I have discussed with you questions from Society of France. Okay? And in this society, estate system was there, first estate, second estate, and third estate. Clear? And 14 July 1789, important date of revolution, when Bastille was stormed. Clear? And after that, I have discussed with you some books of philosophers. At that time, when people from third estate, they demanded equal rights. यानी कि third estate के जो लोग थे, उनको ये लगता था कि उनके साथ injustice हो रहा है, discrimination हो रहा है. So that's why many educated people from third estate, they demanded equality. और उस particular time period में equality, fraternity और liberty का जो slogan था, वो बहुत popular हुआ. And उस particular time period में बहुत से philosophers ने कुछ books लिखी. You have to remember the name of those books and हर book की एक line में आपने उसकी एक ideology बतानी. Number one, सबसे पहले two duties of government. This book was written by John Locke and in this book he opposed the monarchy. यानी कि उसने monarchy system को oppose किया. He opposed the privileges given by birth. उन्होंने किसको oppose किया? कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट हैं, उनको जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं, दैट इज रॉन्ग. इट मींस जॉन लॉक इन टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ही अपोज थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स. थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स क्या होती है बेटा? थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ये कहती है कि किंग जो है उसके पास ऐसा राइट है कि जो वो कहता है वो लॉ है, और किंग को किंग बनाया है गॉड ने. इसी थ्योरी को जीसस क्राइस्ट ने अपोज किया था. उन्होंने कहा था कि किंग और गॉड दोनों बराबर नहीं है, गॉड ऊपर है, किंग नीचे है. ठीक है, लेकिन उस टाइम पीरियड में बहुत से लोगों ने किंग और गॉड के बीच का जो पोजीशन है, ठीक है, उसको सपोर्ट किया. और जीसस क्राइस्ट ने लोगों को इस चीज के लिए समझाया कि जो लोग हैं वो किंग का ऑर्डर, गॉड का ऑर्डर नहीं होता. गॉड ऊपर है, किंग उनसे नीचे, तो किंग जो भी करता है वो हर टाइम सही नहीं होता. लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फ्रेंच सोसाइटी में ये ट्रेडिशन माना जाता था कि फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट में जो थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट क्या कहती है कि अगर किंग लुई 16 को किंग बनाया है तो दैट इज द विश ऑफ गॉड, हम उसको चेंज नहीं कर सकते. तो दिस वॉज रॉन्ग. सो एट दैट टाइम जॉन लॉक ही रोट अ बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. और आपको पता है ये बुक उस टाइम पीरियड में बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हुई थी. एंड इस बुक को पढ़ के सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि और भी कंट्रीज में लोगों के मन में रेवोल्यूशनरी आइडियाज आए. क्योंकि जब हम कुछ भी पढ़ते हैं ना, वो रीडिंग जो होती है उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड में आता है. जैसे अगर आप कोई भी मूवी देखते हो, ठीक है, अगर पैट्रियोटिक मूवी है या जैसी भी मूवी है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके माइंड में कितने दिनों तक रहता है. सिमिलरली एट दैट टाइम बाई रीडिंग मैनी बुक्स, मैनी पीपल फ्रॉम थर्ड स्टेट दे वॉन्टेड टू चेंज द गवर्नमेंट. क्लियर? नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपने बताना है रूसो. रूसो ही रोट सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अब रूसो का इसका आइडिया क्या था सोशल कॉन्ट्रैक्ट का? अकॉर्डिंग टू रूसो, गवर्नमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल. ठीक है, यानी कि जो पीपल कौन, जो लोग हैं, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स. अगेन आई एम टेलिंग यू, गवर्नमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव. यानी कि जिनको हम वोट करते हैं, इसका मतलब हमने उनके साथ 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया. ठीक है, इसका मतलब है कि 5 साल के बाद अगर वो लोग हमारे लिए हमारी वेलफेयर की पॉलिसीज नहीं बनाते हैं तो आफ्टर 5 ईयर्स वी कैन चेंज. तो रूसो ने आइडिया दिया दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट. उसमें उसने उस बुक में क्या लिखा, दैट गवर्नमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव. 5 साल के बाद लोगों के पास पूरा राइट है कि उन रिप्रेजेंटेटिव को चेंज कर. दिस थ्योरी वॉज नोन एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. देन थर्ड, मॉन्टेस्क्यू. मॉन्टेस्क्यू ही रोट स्पिरिट ऑफ लॉज. स्पिरिट ऑफ लॉज का मतलब बच्चे क्या है? लॉज यानी कि लॉ बनाने का राइट किसके पास होना चाहिए. तो इसके लिए मॉन्टेस्क्यू ने एक आइडिया दिया कि लॉ बनाने का राइट सिर्फ एक पर्सन के पास ना हो, जैसे कि किंग के पास था उस टाइम पीरियड में. उन्होंने ये कहा दैट पावर शुड बी डिवाइडेड इंटू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम क्या होना चाहिए, जो लोग लॉज को वॉयलेट करते हैं उनको पनिश करना.
और कॉन्स्टिट्यूशन की हर लाइन को इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना, उनके लिए जिनको लॉ समझ में नहीं आता. तो दैट वॉज द यू कैन से आइडिया ऑफ मॉन्टेस्क्यू रिटन इन द स्पिरिट ऑफ लॉज. अकॉर्डिंग टू वन मार्क यू विल राइट दैट मॉन्टेस्क्यू सुजेस्टेड दैट गवर्नमेंट शुड बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल. क्लियर. और इसके बाद फिलोसफर्स की बुक्स को पढ़ के बहुत से लोगों के मन में रेवोल्यूशनरी आइडियाज आए. ठीक है. एंड कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि हम उस टाइम पीरियड में जो भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज आए उसका मेन रीजन था पीपल फ्रॉम थर्ड एस्टेट, एंड थर्ड एस्टेट में से स्पेशली मिडिल क्लास, एमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास. उस टाइम पीरियड में मिडिल क्लास जो थी, मिडिल क्लास कौन सी मानी जाती थी? पीपल फ्रॉम थर्ड एस्टेट, दोज हु वर एजुकेटेड, दे वॉन्टेड लिबर्टी, जो फ्रीडम चाहते थे, एंड दे वॉन्टेड टू एंड फ्यूडल सिस्टम, दे वॉन्टेड टू एबॉलिश ऑल द प्रिविलेजेस गिवन बाय बर्थ टू फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट. बिकॉज एट दैट टाइम थर्ड एस्टेट दे हैड टू पे टैक्सेस. कौन कौन से टैक्स पे करने पड़ते थे? टाइथ एंड टाइम. क्लियर. इसके बाद नेक्स्ट एस्टेट जर्नल, राइट डाउन एस्टेट जर्नल. एस्टेट जर्नल क्या था? फ्रांस की पार्लियामेंट जो थी वो कितनी बार चेंज हुई? सिक्सटीन फोर्टीन के टाइम पीरियड में जब लुई सिक्सटीन नहीं थे, उनसे पहले जो उनके फादर्स फोर फादर्स थे, उस टाइम पीरियड में एस्टेट जनरल क्या होती थी? पॉलिटिकल बॉडी. पॉलिटिकल बॉडी का मतलब होता है एस्टेट जनरल, मतलब फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट. उस टाइम पीरियड में भी वोटिंग सिस्टम करवाते थे, लेकिन वोटिंग सिस्टम क्या होता था आपको पता है? वोटिंग सिस्टम क्या होता था? Each estate had one vote. First estate, second estate, third estate. यानी कि किंग जब भी कोई नए टैक्स के प्रपोजल्स पास करने होते थे ना, तो किंग क्या करते थे? कुछ लोगों को बुलाते थे फर्स्ट एस्टेट में से, कुछ को बुलाते थे सेकेंड एस्टेट में से, कुछ को बुलाते थे थर्ड एस्टेट में से. वोटिंग सिस्टम क्या होता था? वन वोट. वन वोट मतलब पूरी एस्टेट की एक वोट. तो अगर इसको एड करेंगे, वन फर्स्ट एस्टेट सेकेंड एस्टेट हमेशा किंग को सपोर्ट करेंगे, तो क्या हो गया? टू इज टू, टू इज टू वन. तो प्रपोजल जो है किसकी फेवर में होगा? हमेशा किंग की फेवर में. तो क्या ये आइडिया उस टाइम पीरियड में डेमोक्रेटिक था? नो. लेकिन उस टाइम पीरियड में ये फॉर्मेलिटी होती थी कि स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती थी, बट दिस वॉज जस्ट फॉर्मेलिटी. उसके बाद लुई सिक्सटीन ने, आपको मैंने ये करवाया था, वेन इन द ट्रेजरी ऑफ लुई सिक्सटीन फाइनेंस. एस्टेट जर्नल का मतलब होता है असेंबली. इस असेंबली में सम पीपल दे वर कॉल्ड फ्रॉम फर्स्ट एस्टेट, सम वर कॉल्ड फ्रॉम सेकेंड, एंड सम वन कॉल्ड फ्रॉम, ये मैं तब बता रही हूँ, 1614 का टाइम थी, लुई सिक्सटीन से पहले. ठीक है, फॉर्मेलिटी थी उस टाइम पीरियड में. नए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी पर्टिकुलर असेंबली में नए टैक्स, टाइड टाइल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे उनको इम्पोज किया गया, और ये सिस्टम बनाया गया इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कि ओनली थर्ड स्टेट विल पे द टैक्स. तो दैट वाज इनजस्टिस. ठीक है, इसके बाद एस्टेट जर्नल की मीटिंग आपको याद होगा, लुई सिक्सटीन ही कॉल्ड मीटिंग ऑफ एस्टेट जर्नल. ठीक है, 1789 मीटिंग ऑफ एस्टेट जर्नल बुलाई गई. इससे पहले ये मीटिंग कब बुलाई गई थी? 1614. नाउ व्हाट किंग डिसाइडेड? सेम क्राइटेरिया, 1+1+1. बट दिस टाइम व्हेन पीपल दे एंटर्ड इन द पैलेस ऑफ वर्साए, दे रिफ्यूज. किन्होंने रिफ्यूज किया? पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट. दे डिमांडेड दैट ईच पर्सन शुड बी गिवन वन वोट. उन्होंने कहा कि पूरी स्टेट को वोट नहीं मिलना चाहिए, हर पर्सन को वोट मिलना चाहिए. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? और इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स कितने जो है डिसाइड किए गए? 300 फ्रॉम फर्स्ट, 300 फ्रॉम सेकंड एंड 600 फ्रॉम थर्ड स्टेट. अब आप खुद सोचो कि 600 लोगों का मतलब है 600 वोट्स.
और अगर ये सारे के सारे 600 जो थे वो किंग के एंटी हो जाते तो प्रपोजल पास होता। प्रपोजल पास कब होता है? जब क्या होती है? मेजोरिटी। ठीक है, किंग कॉल मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल एंड इन दिस मीटिंग क्राइटेरिया वॉज देयर ईच स्टेट हैड इट्स ओन वोट फॉर द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट। नाउ दे वर वेरी इंटेलिजेंट, दे वर एजुकेटेड, दे वॉन्टेड इक्वालिटी, दे वॉन्टेड वोटिंग राइट शुड बी, ईच पर्सन शुड बी गिवन वन वोट, यानी कि एक वोट हर एक का होना चाहिए। एंड किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल, किंग ने उनकी बातों को बिना सुने ही पहले तो प्रपोजल को रिजेक्ट कर दी। टैक्सेस की बात तो बाद में आती ना। अल्टीमेटली इस मीटिंग को बुलाने का मेन आइडिया क्या था? टू इम्पोज न्यू टैक्सेस। ऑलरेडी पीपल ऑफ थर्ड स्टेट दे वर ओवरबर्डन। अब उनको ये लग रहा था कि किंग जो है अगर नए टैक्स लगाएगा तो उनका क्या होगा, और इसीलिए वो वोटिंग चाहते थे ताकि मेजोरिटी में जो भी प्रपोजल हो वो पास ना। किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल एंड दीज पीपल केम आउट, वॉकआउट कर देना। वॉकआउट मतलब क्या होता है? वॉकआउट का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में जब भी कोई मीटिंग्स होती हैं, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होती है, बिना एंड के बाहर आ जाना। वॉकआउट इसका मतलब है पीपल ऑफ थर्ड स्टेट दे वॉकआउट। वॉकआउट का मतलब होता है किंग की परमिशन के बिना ही असेंबली से चले गए। सेकेंड, दे वर गिवन इंसल्ट बिकॉज दीज पीपल वर गिवन चेयर्स टू सिट एंड दीज पीपल दे हैड टू स्टैंड बैक। उनको खड़े रखा गया, इनको चेयर्स प्रोवाइड की गई। सो दैट वॉज अ बिग इंसल्ट ऑफ पीपल ऑफ थर्ड स्टेट। This is called the meeting of a state journal. And what was the result of meeting of a state journal? Kya tha iska result? People walk out from the assembly and they declare themselves as national assembly. Unhone kaha ki king agar hamare liye laws nahi bana rahe hain, to we will make our laws. Hum khud apne laws banayenge. And they decided to make constitution फॉर द कंट्री। एंड ये अभी इलीगल थी। इलीगल का मतलब क्या होता है? किंग ने इसको रिकॉग्निशन नहीं दी। ठीक है, पहले 100 वर्साए के बाहर आकर ये सभी नेशनल असेंबली यानी कि जो 600 लोग थे ये कहां इकट्ठे हुए? टेनिस कोर्ट। एंड वहां पे ओथ ली गई। ओथ का मतलब क्या होता है? प्लेज कि नॉट टू डिस्पर्स। तब तक वहां से डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे। डिस्पर्स का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में फार्मर्स सभी इकट्ठे हुए हैं ना, अब उसमें क्या होता है कुछ फार्मर्स विलेज में आते हैं, कुछ वहीं पे रहते हैं, तो अल्टीमेटली एसोसिएशन वहीं पे ही है। इसका मतलब भी ये था कि नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे वो टेनिस कोर्ट में आते थे और वहां पर बैठकर हर रोज कंट्री में क्या होना चाहिए, कंट्री में नए रूल्स क्या होने चाहिए, उनके बारे में डिस्कशन होती थी। और इस डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट इनके जो लीडर्स जिन्होंने इनको लीड किया, दीज वर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, मिराबियू एंड एबेसी। दीज वर द लीडर्स ऑफ नेशनल असेंबली। ये वो लोग थे जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से होने के बाद भी दे रिप्रेजेंटेड पीपल ऑफ थर्ड स्टेट बिकॉज दे हैड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द थर्ड स्टेट। इनके मन में थर्ड स्टेट के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, सो दैट्स व्हाई दे गेव मैनी लेक्चर्स, मैनी स्पीचेस। एबेसीए ही रोट अ पैम्फलेट। इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा, इसका नेम क्या था? व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ताकि स्टेट जो है थर्ड स्टेट अपने बारे में जाने और जो उनके राइट्स हैं उनके लिए फाइट करें। क्लियर? एंड इसके बाद नेशनल असेंबली पहली, फर्स्ट पॉलिटिकल बॉडी क्या थी? स्टेट जर्नल। सेकंड नेशनल असेंबली। और कंट्री में जिस टाइम पीरियड में रेवोल्यूशन यानी कि 14 जुलाई 1789 को जब लोगों ने टेक्सटाइल फॉर जसकरण सिरप्रपल यस व्हेन इन द कंट्री मैनी पीपल दे अटैक or in the cities or in the village also, at that time king he got scared। king ko ye dar lagne lag gaya tha ki kahin log jo hain, theek hai, king ka jo palace hai, palace of versailles, usko hi demolish na kar de। so at that time king gave legal recognition to national assembly। aur national assembly jo hai country ka constitution banane mein busy ho gayi। and national assembly banne mein kitna time laga? 2 years 1789
1789 to 1790 1790 to 1791 एंड फाइनली कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कब तैयार हुआ 1791। क्लियर। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स दिए, लेकिन सिटीजन्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दी, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स। तो मैंने जितना करवाया बच्चे ये सारा डिटेल में था। अब इसमें से जो हमारे एमसीक्यू शॉर्ट आंसर्स बनते हैं वो साइड बाय साइड आप नोट कीजिए। क्लियर। यस, राइट डाउन। एस्टेट जर्नल, व्हाट डू मीन बाय स्टेट जर्नल? यस, एस्टेट जर्नल, वन बाय वन यू विल टेल मी। हां जी रितिका, व्हाट वाज अ स्टेट जर्नल? नो आंसर। एस्टेट जर्नल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी इन 1614। एस्टेट जर्नल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी इन 1614। Who wrote two treaties of government? Yes, beta, Anji. John Locke, very good. Who wrote two treaties of government? John Locke. Yes, Dharia. Who wrote social contract? Rousseau. Who wrote social contract? Social contract, bache, ek book thi. It was written by Rousseau. Ek idea just aapne single line mein batana hai. That social contract means contract between people and representative. Representatives have right to change the government. Then, spirit of laws. Anji Harshit? No? Very bad, beta. You have not listened. Spirit of law. Anji? Montesquieu, very easy. Montesquieu. Anji Jia? What is third estate was written by? What is the third estate pamphlet written by Abbassieh? Very good. It is written by Abbassieh. Next, Ansha, do you remember the important date when feudal system was abolished? Very good. 4th August 1789. Feudal system was abolished because this system was very unjust. People, they had to pay different kind of taxes. And when king gave legal recognition to National Assembly at that time, on 4th August 1789, king abolished feudal system. Dharia, come here on the first bench. In which year, yes, Manya, in which year National Assembly completed its constitution? 1791. Very good. Next, Hanji Lavanya. Into how many parts, according to this National Assembly, citizens were divided? Two. Active and passive citizens. Active citizens, jo hai, wo kinko bana diya gaya? Above the age of 25, all the men. Theek hai? Those who paid taxes. And passive citizen किनको बना दिया गया? Below the age of 25, all the men, women, children, ठीक है? And who couldn't pay tax, यानी कि जो tax नहीं pay करते थे, उनको क्या बना दिया गया? Passive citizens, ठीक है? Next, who were called electors? Electors किनको कहते थे? अब ये define करने के लिए ना मैं पूरा आपको table समझा रही हूँ, ताकि आपको concept clear होगा, active citizens, passive citizens and features of new constitution. 1791 में assembly ने जो नया constitution बनाया था, इसके features क्या थे? First of all, as I have told you, citizens were divided into two parts, active or passive. Only active citizens were given to right to vote and कौन थे? 25 years age and above, but all the men only, because at that time voting rights were given to men, and these active citizens paid taxes. यानी कि ये वो थे जो government को tax pay करते थे. Now, अब ये किसको vote कर सकते हैं?
कल जैसे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सऊदी अरेबिया में अगर वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, हाँ जी, एक्टिव सिटीजन्स को सिर्फ ये राइट दिया गया दैट दे कुड वोट फॉर इलेक्टर्स, इलेक्टर्स मतलब एमपी नहीं, इन आर कंट्री वी द पीपल वी कैन डायरेक्टली वोट फॉर एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, बट एक्टिव सिटीजन जो है जिनकी एज 25 इयर्स है, ओनली मेन, ठीक है, दे कुड वोट फॉर इलेक्टर्स, वो सिर्फ इलेक्टर्स को, मैं बेटा आपकी बात बाद में सुनती हूँ डिटेल में, इलेक्टर्स, इलेक्टर्स जो हैं आगे किसको वोट करेंगे, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, यानी कि अब इलेक्टर्स जो हैं वो आगे मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली को वोट करेंगे, और ये क्या मानी जाएगी, लेजिस्लेचर, ठीक है। दूसरी तरफ एक्टिव को एक और जो सिटीजन से राइट दिया गया, राइट टू वोट फॉर जजेस, क्या हमारी कंट्री में ऐसा होता है, वी कैन वोट फॉर जजेस, नॉट एट ऑल, लेकिन उस टाइम पीरियड में एक्टिव सिटीजन दे कैन वोट फॉर जजेस, जुडिशरी, ठीक है। अब लेजिस्लेचर तैयार हो गए, क्लियर। अब एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कौन होगा, एग्जीक्यूटिव थे किंग एंड नोबल्स, हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता, हमारी कंट्री में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा होते हैं उन्हीं उन्हीं में से प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन था, किंग एंड नोबल जो है वो क्या थे, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो लॉज ये बनाएंगे उनको ये आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। एंड लेकिन साथ ही किंग को एक और पावर दी गई दैट किंग कैन आल्सो हैव अ वीटो, वीटो क्या होती है, वीटो इज अ स्पेशल राइट गिवन टू किंग, वीटो एक स्पेशल राइट दिया जाता है किंग को, क्योंकि वो कंट्री का किंग है, तो कई बार कंट्री में बहुत से ऐसे डिसीजंस होते हैं नेशनल असेंबली में अगर मेजोरिटी नहीं होती तो ऐसे में किंग अपनी वीटो पावर यूज करके उन डिसीजंस को लेने में नेशनल असेंबली की हेल्प कर सकता, ठीक है। इट मींस किंग जो है दोनों तरफ से कंट्रोल था, किंग इन पे भी कंट्रोल करता था और मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली इन पे भी कंट्रोल करते, तो दिस वॉज द न्यू फीचर जो 1791 में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, दैट वॉज अ न्यू फीचर ऑफ दिस असेंबली, ठीक है। वीटो, ओके, वीटो बच्चे क्या होता है, एक स्पेशल राइट होता है, इट इज अ कंडीशन, गुरपाल यू कम हियर, कम हियर, कम हियर, इसके साथ ही बैठ जाओगे, आ जाओ, व्हाट हैपेंड टू यू, यू कैन आस्क योर डाउट After my completion of lecture, okay? Yes, veto का मतलब क्या होता है, special right, and that is the right only given to king, क्योंकि वो country का king है, और veto means suppose members of national assembly जो है majority का मतलब क्या होता है, कई बार जो members हैं वो कोई ऐसा law voting जो है majority से pass नहीं कर सकते, law majority से pass नहीं कर सकते, in that case king can use his veto और वो अपना डिसीजन जो है वो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली को दे सकता है, एंड इंपॉर्टेंट डिसीजंस को चेंज भी कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं 1791 में जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, वोटिंग राइट्स वर नॉट गिवन टू विमेन, नंबर टू इफ द वोटिंग राइट्स वर गिवन टू मेन दे कैन इलेक्ट ओनली टू इलेक्टर्स, और ये इलेक्टर्स कौन होते थे, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स ऑफ द सोसाइटी, और वो आगे जाकर किनको इलेक्ट करते थे, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, और ये मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली जो थे कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर लेते थे और इसमें मेजोरिटी नहीं होती थी तो उस केस में किंग उनकी हेल्प करता था, एंड किंग एंड नोबल जो थे वो नेशनल असेंबली के द्वारा पास किए गए लॉज को इम्प्लीमेंट करते, क्लियर, ऑपोजिट भी हो सकता है, तो दिस इज द रिस्पेक्ट ऑफ किंग, किंग की रिस्पेक्ट के लिए ऐसा किया जाता है।
क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी में अभी भी मनार्की सिस्टम था, प्रॉपरली 100% डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था. क्लियर? हाँ जी. एंड दिस सिस्टम वॉज अनजस्ट. अनजस्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि इसमें प्रॉब्लम थी, 1791 में बहुत सी प्रॉब्लम आई. एंड दैट्स वाई किंग जो था ही मेड सीक्रेट नेगोसिएशन विद डिफरेंट कंट्रीज. किंग ने क्या किया, अपनी ही कंट्री यानी कि फ्रांस पे अटैक करने के लिए नेबरिंग कंट्रीज के साथ सीक्रेट नेगोसिएशन जो है वो प्लान करने शुरू कर दी. एंड इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड पेट्रियोटिज्म केम इन द माइंड्स ऑफ द फ्रेंच पीपल. और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत से लोगों ने सॉन्ग्स या पोएम्स कुछ ऐसी जो है वो कंपोज की जिससे कि किंग जो है उसके बारे में जो भी वो गलत कर रहा था लोगों को बताया जाए. क्लियर? सो आगे आप नोट करिए, व्हाट डू मीन बाय मार्सिले. मार्सिले क्या है? एम ए आर एस ई आई डबल एल ए आई एस ई, मार्सिले. एंड ये प्लेस था जिस प्लेस में लोगों ने फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम जो है वो गाया था. एंड हु कंपोज दिस, स्टिल टूडे इट इज द नेशनल एंथम, रोगे डी आइसले. रोगे डी आइसले, इट इज द नेशनल एंथम ऑफ मार्सिले जो है वो नेशनल एंथम है. सबसे पहले ये जहां पे गाया गया उस प्लेस का नाम क्या था? मार्सिले. स्टिल टूडे इट इज द नेशनल एंथम एंड इट वॉज कंपोज बाय रोगे डी आइसले. Why it was composed and why it was sung at that time? Because many people, they came to know about the wrong policies of Louis XVI. Clear? Anji, any doubt? Iske baad hum next part karenge, that is Jacobin Club.